हम मरियम बाजी के बड़ी वाली मरियम बाजी की बात कर रहे हैं, आप वो ये गुस्सा ना कर जाए मैंने उन्हें बड़ी वाली कह दिया। हमें अगर हमारी पार्टी में हमें आप जैसी बदतमीज खवातीन अभी तक नहीं मिल सकी जो आपको आपकी जुबान में जवाब दे, यकीन कीजिए ऐसा नहीं कि हमने ढूंढा नहीं, खुदा की कसम हमने बड़ा ढूंढा है, लेकिन पाकिस्तान में आप जैसी दो बाजियां और मिलती नहीं। हमने बहुत ढूंढा है, हम उन्हें MNA भी बना देंगे, हम उन्हें MPA भी बना देंगे, हमने बहुत ढूंढा है कि कोई आपके लेवल पे जाके बदतमीजी कर सके, आपके लेवल पे जाके गंद फेंक सके, लेकिन नहीं मिलती बाजी। आपका हमारे पास मुकाबला नहीं है, हम बदतमीजी में आपसे मारे हैं। आपसे तो हमारे मौलाना सफदर साहब भी बेचारे, वो भी बेचारे डरते हैं, वो डर के पता नहीं कौन कौन से फतवे देना शुरू हो गए हैं आजकल। अब मेरी मिन्नत है कौम से कि उनके फतवों पे चलते हुए काम शुरू ना कर दीजिएगा, क्योंकि उस काम की जो बाद में नतीजे निकलने वो मुल्क के लिए बड़े खतरनाक होने हैं। इसलिए मौलाना साहब जो बातें करते हैं उन्हें इग्नोर कर दिया करें, वो कोई अपना ही तौबा नऊज़बिल्लाह दीने अकबरी की तरह को अपना ही दीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। हमें भी बाजी उस डॉक्टर का नाम बता दें जिससे ऑपरेशन करवाने के एक ही हफ्ते के बाद बंदे की आवाज इतनी ऊंची हो जाती कि माइक्रोफोन की जरूरत नहीं पड़ जाती। मैं तो गली में कोई सास और बहू लड़ते देखूं तो मैं उन बाजियों से पूछता हूं कि आप बड़ी लड़ाकी हैं कि आप हमारा PTI का दिफा करेंगी उसी जुबान में जिसमें बाजी मरियम सफदर और बाजी मरियम औरंगजेब करती हैं, तो वो कहती हैं कि नहीं भाई हम उतनी बदतमीज नहीं है, मैं तो यहां अपनी सांस से ही तू तड़ाक कर लेती हूं इतना काफी है। मैं अपने सांस के लिए मास्क मांग रहा था, मेरे मास्क मांगने को भी रोना कह दिया गया। अगर आप देखें तो मैं रो नहीं रहा, मैं मास्क मांग रहा हूं। आप उस टाइम मुझे ऑक्सीजन का मास्क दे दें तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं ना उससे पहले रोया था आपके सामने ना बाद में रोया था, मैं मास्क मांग रहा था। और अगर मुझे सफोकेशन होगी तो मैं चीख के मास्क मांगूंगा। तो आप मुझे समझ आ रही है कि मुझे क्यों उलझाया गया है, मुझे इतने केसेस में क्यों उलझाया गया, मैं ही इतना बड़ा गब्बर सिंह मुझे क्यों बना दिया गया है। उसकी वजह यह है ताकि इमरान खान का दिफा ना हो सके, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का उस तरीके से दिफा ना हो सके। मसलन कल जब मैंने वो स्टेटमेंट देखी तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ। वो कल मरियम औरंगजेब साहबा का बयान मेरी नजर से गुजरा, उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक नहीं, डूब मरो तहरीक आपको चलानी चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि मुझे अपनी पार्टी से उस तरह का तवाना जवाब वापस नजर नहीं आया। मेरी मुसीबत यह है कि एक तो आप लोग मुझे चलाते नहीं है TV पे, मेरे पे पाबंदी है, मुझे ब्लैकआउट किया हुआ है, और दूसरा यह कि मैं इतने सारे केसों में उलझा हुआ हूं कि 2 दर्जन के करीब केसेस हैं कि उन्हीं में वकला को मिलते हुए अपने मामला इस शहर से उस शहर में सफर करते हुए वक्त नहीं लगता। तो आप मुझे समझ आ रही है कि मुझे क्यों उलझाया गया है, मुझे इतने केसेस में क्यों उलझाया गया, मैं ही इतना बड़ा गब्बर सिंह मुझे क्यों बना दिया गया है। उसकी वजह यह है ताकि इमरान खान का दिफा ना हो सके, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का उस तरीके से दिफा ना हो सके। मसलन कल जब मैंने वो स्टेटमेंट देखी तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ। वो वाली बाजी जो है इंतहाई बदतमीज हैं, ये सबको पता है, नई बात नहीं है। और लेकिन कम से कम उन्हें यहां से जवाब वापस जाता था, जिस जुबान में बोलती थी उसी जुबान में जवाब वापस जाता था। हाँ ये जरूर है कि हम मरियम बाजी के बड़ी वाली मरियम बाजी की बात कर रहे हैं, आप वो ये गुस्सा ना कर जाए मैंने उन्हें बड़ी वाली कह दिया, थोड़ी सी बड़ी मतलब 19-22-23 साल वाली बड़ी बाजी, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसे ही हैं जैसे अभी भी वो छोटी बच्ची हैं। वो लोगों के कुर्ब पे हंसती हैं, शेख रशीद साहब को धक्का क्या लग गया, वो आगे गिरे एक 75 साल के बुजुर्ग, और उन्होंने अपने आप को संभालने के लिए जरा तवक्कुफ लिया तो बीबी हंसती नहीं। एक चैनल जिनके अपने बुजुर्ग जब जेल में थे, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो वो खुद बहुत परेशान थे और मैं उनकी परेशानी को समझ सकता था। जब आपका अपना कोई जेल में होता है तो परेशान है। उन्होंने सारा दिन लोगों के रोने और हंसने का मजाक उड़ाया। मैं अपने सांस के लिए मास्क मांग रहा था, मेरे मास्क मांगने को भी रोना कह दिया गया। अगर आप देखें तो मैं रो नहीं रहा, मैं मास्क मांग रहा हूं। आप उस टाइम मुझे ऑक्सीजन का मास्क दे दें तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं ना उससे पहले रोया था आपके सामने ना बाद में रोया था, मैं मास्क मांग रहा था। और अगर मुझे सफोकेशन होगी तो मैं चीख के मास्क मांगूंगा। उस दिन मुझे जब अदालत लाया गया था तो मुझे नहीं पता किस चीज का मुझे इंजेक्शन दिया गया था,
कि मैं अपनी प्रॉपर होश में भी नहीं था, ताकि मैं अदालत में कोई बयान ना दे सकूं, ताकि मैं अदालत में बोल ना सकूं। मैं मऊफ था उस दिन, और मैं अगर उस मऊफी में मास्क मांग रहा हूं तो उसको टेलीविजन पे चलाया जा रहा है, ये रो रहे हैं। तो हजूर, मैं टेलीविजन, उस टेलीविजन से भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं बाकी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसी जेल में बाजी को रखा गया है, वैसी जेल में तो इधर से हमारे ये आधे कैमरामैन जाने को तैयार होंगे, इनको भी छुट्टियों पे भेज दें उस रेस्ट हाउस में, सहाला वाले में, जिन जेलों के अंदर इस टाइम रखा जा रहा है और जो सलूक किया जा रहा है वो सबको पता है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मरियम सफदर साहबा जो हमारी बाजी है वो इमेच्योर है, उनमें अभी लड़कपन है, उनमें अभी इमेच्योरिटी है, उनमें अभी मैं ये कहूंगा कि वो एक उनकी तिश्नगी है अभी मजाक करने की, जोक करने की। खैर, इनके बड़ों की भी है, वो हमारे ख्वाजा साहब जो सियालकोट के हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, वो कल डॉलर की कीमत बढ़ने पे टिचरें कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि पंजाबी जुबान बोलता हूं तो जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती उसको गाली बना लेते हैं। कह देता हूं कि पंजाबी में इस लफ्ज को ये कहते हैं तो वो दो दो साल उसको गाली बना के इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं उससे मत नहीं जाऊंगा। लेकिन सिर्फ इतनी बात कहूंगा ख्वाजा साहब के लिए कि आपकी हालत उस बेशरम की है जिसके कहीं पर एक पौधा होगा, पंजाबी च असीं उन्हूं रुख कहने हैं, ते अगली गल मेरा ख्याल ख्वाजा साहब नूं पता है। सो डॉलर की कीमत अगर बढ़ रही है तो उत्ते टिचरा नहीं करो, उत्ते शर्म करो, क्योंकि उससे आवाम को तकलीफ हो रही है, उससे पेट्रोल बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे यहाँ डॉलर बढ़ने से पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारे यहाँ आटा डबल हो गया। ये कहने की बातें हम कहते जाते हैं, गरीब पिस रहा है, उसकी हड्डियों में से निकल रहा है, अब लोग जी नहीं पा रहे, तो इसलिए टिचरे नहीं करें, कर सकते हैं तो शर्म करें, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर खामोशी इख्तियार करें। ये ना हो कि आवाम इलेक्शन से पहले ही आपका सियासी मुहासबा करे। इलेक्शन तो आप कराना नहीं चाहते, उससे भागना चाहते हैं, आइन शिकनी करना चाहते हैं, तो इसलिए या तो बराबर का मैदान लाएं, इलेक्शन में आए, इलेक्शन लड़ते हैं और पता चलता है, और अगर मुकदमात करने हैं आपके एक बेटे की एक तस्वीर कुर्सी पे बैठे हुए जहां सात टिश्यू पेपर का डब्बा भी पड़ा था लीक हो गई थी, तो आपने पूरे मीडिया में क्या कोहराम मचाया था। हमारे मीडिया में भी ऐसे ही लगा था जैसे अल्लाह माफ करे को करबला के जैसी कोई चीज हो गई है। उस तस्वीर के आ जाने से जो नैब के अंदर सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन अब क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। इसलिए मैं आखिर पर यही कहूंगा कि होश के नाखून लीजिए, ये वक्त भी गुजर जाना है, ये बहुत देर नहीं रहना, वक्त की एक ही खूबसूरती है, जब ये अच्छा होता है ये तब भी गुजर जाता है, जब ये बुरा होता है ये तब भी गुजर जाता है, इसने गुजर जाना है। हमने तो करप्शन नहीं की इसलिए करप्शन में नहीं पकड़े गए, और ना इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। मैं सामने खड़ा हूं, आपने दो दर्जन मुकदमात कर लिए हैं, मेरी आपको दावत है, आइए किसी फोरम पे बताइए कि मैंने कोई करप्शन की, कोई आपके पास कोई सबूत है, कोई बात है, इवन कोई इल्जाम है। सबूत को छोड़ दे, सबूत तो इस मुल्क में मिलते नहीं है, आपके पास इवन मेरे पे करप्शन का कोई इल्जाम भी है तो आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। अगर होता तो आप बाहर होते। हाँ, शायद मैं बाहर ना होता, मैं सहाला के उसी रेस्टोरेंट में होता, वो जो रेस्टोरेंट या उसको होटल कह लें, जो भी रेस्ट हाउस कह लें उसे, तो मैं वहां होता चंद दिन के लिए, और फिर मैं उसके बाद मैं लंदन जाता या अमेरिका जाता, वहां से सर्जरी करवाता और वापस आके इतनी ऊंची आवाज से बोलता कि अखीरी हो जाती। तो हमें भी बाजी उस डॉक्टर का नाम बता दें जिससे ऑपरेशन करवाने के एक ही हफ्ते के बाद बंदे की आवाज इतनी ऊंची हो जाती कि माइक्रोफोन की जरूरत नहीं पड़ जाती। तो इसलिए ये दोनों बाजियों को थोड़ा सा पाकिस्तान की इकदार का एहतराम करना चाहिए। हमें अगर हमारी पार्टी में हमें आप जैसी बदतमीज खवातीन अभी तक नहीं मिल सकी जो आपको आपकी जुबान में जवाब दें, तो यकीन कीजिए ऐसा नहीं कि हमने ढूंढा नहीं, खुदा की कसम हमने बड़ा ढूंढा है, लेकिन पाकिस्तान में आप जैसी दो बाजियां और मिलती नहीं है। हमने बहुत ढूंढा है, हम उन्हें एमएनए भी बना देंगे, हम उन्हें एमपीए भी बना देंगे, हमने बहुत ढूंढा है कि कोई आपके लेवल पे जाके बदतमीजी कर सके, आपके लेवल पे जाके गंद फेंक सके।
लेकिन नहीं मिलती बाजी जिन खवातीन से बात कर, अगर मैं तो गली में को सास और बहू लड़ते देखूं तो मैं उन बाजियों से पूछता हूं कि आप बड़ी लड़ाकी हैं कि आप हमारा पीटीआई का दिफा करेंगी उसी जुबान में जिसमें बाजी मरियम सफदर और बाजी मरियम औरंगजेब करती हैं, तो वो कहती हैं कि नहीं भाई हम उतनी बदतमीज नहीं है, मैं तो यहां अपनी सास से ही तू तड़ाक कर लेती हूं, इतना काफी है। तो इसलिए आपका हमारे पास मुकाबला नहीं है, हम बदतमीजी में आपसे मारे हैं। आपसे तो हमारे मौलाना सफदर साहब भी बेचारे, वो भी बेचारे डरते हैं, वो डर के पता नहीं कौन कौन से फतवे देना शुरू हो गए हैं आजकल। अब मेरी मिन्नत है कौम से कि उनके फतवों पे चलते हुए काम शुरू ना कर दीजिएगा, क्योंकि उस काम की जो बाद में नतीजे निकलने वो मुल्क के लिए बड़े खतरनाक होने हैं। इसलिए मौलाना साहब जो बातें करते हैं उन्हें इग्नोर कर दिया करें, वो कोई अपना ही तोबा नऊज़बिल्लाह दीन अकबरी की तरह को अपना ही दीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। तो इसलिए वापस आता हूं ये कहने पे कि एक तो सियासत कीजिए जिसमें सियासत और इंसानियत सामने रखिए। आप जुल्म कर रहे हैं कर लें, लेकिन जुल्म के ऊपर मजाक ना उड़ाएं लोगों का। शेख साहब 75 साल के हैं, मैं आपके वालिद ग्रामी को जेल में मिलकर आया था, मैं पीटीआई की तरफ से वाहिद आदमी था जो 2 से 3 दफा नवाज शरीफ साहब को मिलकर आया, उनके साथ मुजाकरात किए इलाज कराने के लिए। ये मैंने जो कपड़े पहने हैं इनसे बहुत अच्छे और सलवट के बगैर कपड़े थे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो जेल में रह रहे थे। तो अगर आप में वो ज़र्फ़ नहीं है तो कम अज कम फिर मौकरी ना कीजिए, एटलीस्ट शो सम ग्रेस।